हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पब्लिक करियर पॉइंट पर स्वागत है। प्लीज़ अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए यूजर हैं, प्लीज़ हमारे पब्लिक करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की नॉलेज की वीडियो के लिए आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए तो बराबर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं और इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे और लोगों को जानकारी हासिल हो। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि राजस्थान जो पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, देखिए जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान पुलिस की, यहाँ पे देखिए एक नोटिस भी निकला हुआ है। ये आपका फेक कोई नहीं है, ये ऐसा फेक है जो आपके रिलेटेड बहुत फेक चीज़ों से आप बचें। तो ये जो है राजस्थान वेबसाइट की जो है ये बोर्ड की ये वेबसाइट है और इस पे जो है राजस्थान की वैकेंसी आई हुई है। कांस्टेबल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट ईयर 2021 के लिए। तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसकी कितनी पोस्ट हैं, उसके कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या एज की लिमिटेशन है और कितनी फीस लगने वाली है और कब एग्ज़ाम होने वाला है और कौन कौन से प्रोसेस हैं A to Z। इस वीडियो को अगर अंत तक बने रहेंगे तो ज़रूर इस फॉर्म को भरने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म के नोटिफिकेशन के बारे में। पहले जानते हैं कि क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए इम्पॉर्टेंट डेट्स की, कि कब ये डेट जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 29/10/2021 को नोटिफिकेशन जो है ये आपका आया है राजस्थान पुलिस के तरफ से। और ये जो एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा ये 10 नवंबर से शुरू हो जाएगा भरना और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है ये 3 दिसंबर रहने वाला है 2021। और जो ऑफलाइन मोड में जो आपका टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड का होगा, रिटर्न एग्ज़ाम जो डेट होगा और आपके जनवरी में 2022 के में भी आपके करा दिया जाए एग्ज़ाम और जो एडमिट कार्ड है आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है जनरल OBC और अदर स्टेट के, अगर आप राजस्थान के स्टेट के हैं तब भी आप जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आते हैं तो 500 रुपये है, अगर आप OBC के हैं तभी 500 रुपीज़ है और अदर स्टेट के हैं उसका भी आपको 500 रुपीज़ लगेगा। अगर किसी भी अगर कास्ट के हैं तो तभी आपका 500 रुपीज़ लगने वाला है यहाँ पे। और इनकम लेस देन, अगर आपकी इनकम जो है गार्जियन की इनकम जो है 2.5 लाख से अगर कम है तो आपका 400 और ST के लिए भी आपका 400 फीस यहाँ पे लगने वाला है। और इस फीस पेमेंट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग कैश कार्ड, कैश कार्ड द्वारा और यहाँ पे थ्रू कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो ये आप इस पेमेंट कर सकते हैं बैंक में अपना ये फीस। ओके, तो ये जानकारी अब यहाँ देख लेते हैं एज लिमिट की। देखिए वैकेंसी वाइज जो है एज लिमिट का यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से आप, जो कांस्टेबल GD के लिए है और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए है, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल ड्राइवर, ये इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं हर के सभी के लिए, GD के लिए और टेलीकॉम और बैंड और ड्राइवर के लिए वैकेंसियाँ हैं। और ये आपका जो मिनिमम एज है इसके अंदर होना चाहिए, यानी आपका 2004 के बाद या 2004 से पहले, और यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है 2/1/1998 तक का लिया गया और मैक्सिमम 1993 तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए यहाँ पे देखिए यही रहने वाला है और ये देखिए कांस्टेबल बैंड जो है इसका भी यही रहने वाला है और कांस्टेबल ड्राइवर की जो एज है ये रहने वाली है। अब यहाँ बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो वैकेंसी डिटेल जो देखिए आपका है 4438 पोस्ट जो आई हुई है। अब इसमें कितनी पोस्ट किसके लिए है, कौन से एरिया के लिए, यहाँ देखिए पोस्ट नेम है, एरिया टोटल और ये देखिए आपका राजस्थान कांस्टेबल एलिजिबिलिटी के लिए लिखा गया कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेबल GD के लिए देखिए नॉन TSP के लिए टोटल जो वैकेंसी है 3536 और ये सारे मिला के TSP दोनों मिला कर आपका 4161 पोस्ट हो जाती है। और इसमें क्वालिफिकेशन का ही अगर पर आप 10th पास हैं और 12th पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए देखिए वैकेंसी 154 है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैकेंसी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल बैंड के सारी वैकेंसी दी हुई है, तो आप यहाँ से जानकारी अच्छे से हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो ऑफिशियल जो इसकी नोटिस आई है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं उसमें आपकी जानकारी क्या है। और यहाँ पे भी और सारी आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं कि फिजिकल डिटेल क्या होने वाली है, मेल की जो हाइट होने वाली है 168 सेंटीमीटर आप पे होने चाहिए और यहाँ फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए 52 CMS होनी चाहिए और जो चेस्ट की, मेल के जो चेस्ट की साइज होनी चाहिए अब यहाँ देख सकते हैं 81-86 CMS होना चाहिए। और रनिंग जो है अगर मेल पुरुष हैं तो 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 25 मिनट के अंदर और फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 35 मिनट के अंदर, ठीक है।
है। अब यहाँ सारी रिक्वायरमेंट है, कैसे भरा जाएगा, किस तरीके से भरा जाएगा, और देखिए अभी लिंक का एक्टिवेट हो जाएगा आपका 10-11 को नवंबर में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस है और किस तरीके से और भी जानकारी हमें मिल सकती है, कितने क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका ये ऑफिशियल नोटिस जो है यहाँ पे, देखिए आपका जो ऑफिशियल नोटिस है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए कोई फेक नहीं है, यहाँ पे आपके राजस्थान बोर्ड की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर भी ये नोटिस जारी किया गया, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार ये वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, कांस्टेबल समान, कांस्टेबल चालक के लिए, कांस्टेबल बैंड और पुलिस दूरसंचार के लिए, सारी आपके 4338 रिक्त पदों के लिए भर्ती के लिए आपका ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने वाला है। तो अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे और यहाँ पे अपनी सारी जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे तो आपके फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे यहाँ सारा वितरण दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। और देखिए आवेदन की जो प्रक्रिया होगी, आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करेंगे और किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ देखिए sso.rajasthan.gov.in के वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे डिटेल फोटो डॉक साइज़ जो होनी चाहिए, जो आप उसमें फ़ोटो लगाएंगे किस कितने साइज़ की होनी चाहिए, जो फ़ोटो की साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB तक के होने चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर की बात की जा रही है, यहाँ पे देखिए 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ से आसानी से इसे देख सकते हैं किस तरीके से आप इसे अप्लाई करेंगे। और परीक्षा जो शुल्क रहने वाली, जैसे मैंने कभी पिछले नोटिफिकेशन में बताया कि जनरल OBC अगर अदर स्टेट के तो उनके लिए 500 रुपये रहने वाली है, अगर ST/ST हैं और उनकी इनकम, अगर किसी भी ऐसा जनरल कैंडिडेट है जिनकी इनकम 2 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो यहाँ पे उनकी फ़ीस जो लगने वाली है 400 रुपये लगने वाली है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि लिखित जो परीक्षा होने वाली, प्रवेश परीक्षा, वो किस बेस पर हुआ, कैसे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी परीक्षा जो होंगी रहने वाली है, वो आपका जो है ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले होने वाला है। और आप जब भी आपका होगा, अगर आप फॉर्म भर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो है एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि जब भी आपका पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही आप फॉर्म में भरें, जिससे ये जो भी एग्ज़ाम की डिटेल आप तक आसानी से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हुई हैं, और देखिए यहाँ पे कुछ और वैकेंसी लिखी हुई है कि जो खिलाड़ी वर्ग के अगर भर्ती होना चाहते हैं राजस्थान पुलिस में, तो उनके लिए अलग से 62 पद दिए गए हैं इसमें, तो आप यहाँ भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रीय वाइज जो वैकेंसियाँ यहाँ पे दी गई हैं कि क्षेत्रीय वाइज वैकेंसियाँ कितनी है कांस्टेबल सम्मान की, तो देख सकते हैं ये क्षेत्रीय वाइज यानी राजस्थान में जो क्षेत्र अलग अलग आते हैं, सारी चीज़ें यहाँ वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं, सारी टोटल जो है यहाँ पे 1254 है अलग अलग सामान्य वर्ग के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपका रहा डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, कांस्टेबल पुलिस संचार का है, ये कितने ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हैं, किस एरिया में आई हैं, आप यहाँ आसानी से इसे देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके, यहाँ पे देखिए भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उनको कुछ छूट भी दी जाएगी यहाँ पे राजस्थान बोर्ड की तरफ से, जो भी उनका रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट दी जाएगी। और महिलाओं को भी यहाँ पे छूट देने की बात की गई है, महिलाओं को देखिए 30% के छूट की बात की गई है, जिसमें उसमें अगर कोई विधवा औरत है तो उसको उसके लिए भी 8% विधवाओं के लिए भी ये छूट दी गई है। और यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप जानकारी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे अगर ड्राइवर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, A to Z यहाँ पे सारी चीज़ जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। अब मेन बात करते हैं, आप देखिए वेतन की, हमारे पेंशन जो कितना मिलेगा अगर आप इसमें जॉब पा जाते हैं, तो आपको जो वेतन रहने वाला है वो 14,600 रुपये होने वाली है, और ये जो है और आपका TADA और मिलाकर आपके 18-20-25,000 ये हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करेगा राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो किस बेस पर होगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग जिला पुलिस के मान्यता बोर्ड के लिए सेकेंडरी, अब यानी अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ से भारत में कहीं पर भी, अगर भारत में आपने 10वीं और 12वीं पढ़ी हैं, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और
और देखिए यहाँ पे बैंड के सहित यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे स्कूल दसवीं का अक्षर पास होना चाहिए बैंड के लिए, और पुलिस दूरसंचार के लिए भी यहाँ पे लिखा, गणित कंप्यूटर ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप दूरसंचार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रही आपकी एक ड्राइवर जानकारी। और यहाँ पर देखिए बात करें अगर आयु सीमा की, तो जो आयु सीमा है यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग देख सकते हैं कि आपका जो सामान्य पुलिस के लिए क्या होगा और बैंड के लिए क्या होगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है, जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। शरीर मापदंड देखिए यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। न्यूनतम जो ऊंचाई पुरुष की होनी चाहिए 1.68 आपका होना चाहिए यहाँ पे, और महिलाओं का 1.52 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको फुलाना पड़ेगा, सीने की जो साइज़ है आपको जब आपका PET होगा वहाँ पे ये चीज़ें मांगी जाएंगी। और देखिए महिलाओं का जो वज़न है यहाँ पे 45 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पुरुषों के लिए कोई लागू नहीं होता है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे और देख लेते हैं कि चिकित्सा मापदंड जो है आपकी जो आँख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपकी जो आँख कलर विज़न है बहुत अच्छा होना चाहिए, और देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए जो भर्ती की जो प्रक्रिया होने वाली है क्या क्या मेन ये चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा कराई जाएंगी जो भी 150 क्वेश्चन का होगा और 150 नंबर का भी होगा, और सारे के लिए देखिए बैंड के लिए चीज़ें लागू नहीं होती हैं। और शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होगी वो 30 नंबर का होगा, और कांस्टेबल चालक के लिए भी 20 नंबर का होगा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे A to Z यहाँ देख सकते हैं। जो टोटल क्वेश्चन होने वाला वो 200-150 का जो होगा, और टोटल जो कुल अंक जो होंगे वो 200 के होंगे। आपके सारी चीज़ें यहाँ मिला के 200 अंकों में आप कितना अर्जित करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे उस बेस पे आपको मेरिट बनाकर सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखित परीक्षा जो होने वाली है 150 अंक की होने वाली है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको ऑफलाइन मार्कशीट भरने के लिए दिया जाएगा। अगर उसमें देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है, अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 25% आपका अंक जो है काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर दिया जाने वाला है यहाँ पे। तो A to Z यहाँ पे सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। ये शारीरिक दक्षता जो होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट होगा, अगर आप रिटर्न एग्जाम पास कर लेते हैं तो अब जो है आपका फिजिकल यानी PET कराया जाएगा। यहाँ PET के लिए देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z दिया गया है, कितना किसको कितना मिनट के शारीरिक दंड मापदंड होना चाहिए, कितना किलोमीटर दौड़ना है, कितने मिनट में दौड़ना है। देखिए पुरुषों को अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, महिलाओं के लिए 35 मिनट में, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको दौड़ना है 30 मिनट में उनको दौड़ना है, और जो यहाँ पर देखिए अलग अलग अनुसूचित जनजाति के प्लान जो है 30 मिनट में, ये सारी चीज़ें इसके अगर आपको 30 अंक मिलेंगे अगर आप ये 25 मिनट के अंदर ये कर लेते हैं तो आप यहाँ 30 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और भी है सारी चीज़ें अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग यहाँ पे दौड़ है यहाँ पे, फिर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या क्या आपको अगर आपके पास NCC है, ठीक है, अगर NCC है, सी है, BC किस ग्रेड में है तो वहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। अगर होम गार्ड हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 3 वर्ष तक आपने कभी जॉब किया है उस अगर ये सर्टिफिकेट लगाते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से नंबर दिया जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट का, सेल्फ अटेस्ट, यानी जो भी आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जैसे जात हो गया, निवास हो गया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी हो गया, हाई स्कूल का हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया, आधार कार्ड हो गया, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा यहाँ आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो नोटिस है ये फर्जी नहीं है, और आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पूरी कंप्लीट जानकारी। अगर इस फॉर्म को आप अच्छे से भरना चाहते हैं बिना किसी गलती के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी मैं इस फॉर्म को भरा जाएगा तो मैं आपको भर के दिखाऊंगा, जिससे आपको फॉर्म में कोई गलतियाँ नहीं होंगी और फॉर्म जो है आपका आसानी से सबमिट हो जाएगा, जिससे कि आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे और राजस्थान कांस्टेबल पुलिस में आप नौकरी पा सकते हैं। तो इसी तरीके का और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग टू माई वीडियो।